Hello and welcome back to the episode 2 of Senior Project Presentations. अभी फिलहाल हम जाएंगे यहाँ पे, हम हमारे सीनियर्स के प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं और उनको हम वीडियो के लास्ट में रिव्यू देंगे आउट ऑफ 10 वो कितना अच्छा कर रहे हैं या फिर हम एक रेटिंग चार्ट बनाएंगे कि कौन से सीनियर ने कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा किया है, तो इसे हम एपिसोड 1 से भी कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वहाँ से ये वाला जो प्रोजेक्ट है जिसका नंबर है G12, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हम इक्वेशंस हम जैसा पेंट में लिखते हैं ना, वैसे हम एक कैनवास मिलेगा, हम इसमें जो भी इक्वेशंस लिखेंगे ये यहाँ पे उसके आंसर्स लिख जाएंगे। बेसिकली ये है ना, तो अभी फिलहाल हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। हमारे एसोसिएशन का मतलब ये लिंक्डइन की तरह है, पर यहाँ पे हमारे कॉलेज के स्पेसिफिक कॉलेज के एलुमनाई आके यहाँ पे फ्रेशर्स को जॉब मतलब फ्रेशर्स की जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये एक रेफरल की तरह काम करेगा कि वो इस वेबसाइट पे आएंगे और पर्टिकुलर हमारे कॉलेज के लिए रेफरल देंगे जिसके कारण फ्रेशर्स को जॉब मिलेगी। तो हम भी फ्रेशर्स हैं तो इनको बस यही बोलना है थोड़ी अच्छी कंपनी में काम करना, और हमारा कैमरामैन भी हमारे मतलब मेरे दोस्त भी फ्रेशर है, हम दोनों को रेफरल देना भाई मेरे तुम्हारा वीडियो। चलो फिर अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट। मैंने एक गोलमाल मूवी देखी होगी, हाँ हाँ, उसमें एक आदमी रहता है जिसको लकी करना नहीं आता, वो रहता है तो ऐसे इंसान अपने क्लाइंट के लिए उनके लिए ये इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था जिसके मदद से हम उनको हमारी बातें समझा सकते हैं साइन लैंग्वेज की हेल्प से, और हम इससे साइन लैंग्वेज सीख भी सकते हैं ताकि जो लोग सुन नहीं सकते वो उन्हें हमारे साइन लैंग्वेज की मदद से हम जो बोलना चाहते हैं वो सुन ले। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। हमारे 1.7 के सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तो शुरू करते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है? Our online institute project. In this project we have to do one video and then it was entered the institute. Firstly, this is front end technologies. HTML, CSS and JavaScript is used in front end. Backend it works on the NLP and NLP model. बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था ये क्या करता है, जो भी हमारे पास MCQ है PDF फॉर्मेट में, ये उन सभी MCQ को शफल कर देता है, उनका जो मतलब उनकी जो नंबरिंग है ये आगे पीछे कर देता है। तो बेसिकली यही ये प्रोजेक्ट था और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी के टाइम पे जब हम गूगल फॉर्म पे जब हम पेपर हमें कोई देता है कॉलेज वाले सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे ही तरह आते हैं, मतलब शफल हो जाते हैं, किसी को ज़्यादातर मतलब सेम क्वेश्चन ज़्यादातर तो नहीं आते आजू बाजू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अरे तुम भाई चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, तुम्हारा सब्सक्राइब देना, पिछले बार वीडियो स्पॉन्सर्ड किया था भाई। सो अभी चलते हैं अब हम हमारे दूसरे चहेते प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि हमारे भैया का पब्लिकेशन समरी जनरेटर और फैकल्टी मेंबर। इसी तीनों भी ऐसे सब्सक्राइब बोल देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। द बेसिक आइडिया ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज दैट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट देयर इज नो ऑटोमेटेड टूल व्हिच कैन समराइज द डेट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स लाइक व्हाट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड इन देयर देयर लाइफ लाइक we आर फैकल्टी मेंबर्स आर अपलोडिंग देयर रिसर्च पेपर्स एप्लीकेशन टाइप इन देयर करियर करियर ओके। सो आवर मेन मोटो इज दैट देयर इज यूजर कैन अपलोड देयर इनपुट फाइल इन
the user can upload input file. Let's check. This is our website here. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारी फैकल्टी मेंबर्स है तो हम फैकल्टी मेंबर्स के लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर गिटअप प्रोफाइल के लिंक्स लेके यहाँ पे एक फाइल में हमें डालना होता है और वो फाइल हमें इस मॉडल को देना होता है, और जिसके कारण फिर ये मॉडल हमें बताता है कि कौन से हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स है उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से पेपर्स में है या फिर उन्होंने कितने पोस्ट किए हैं। और ये काफ़ी अच्छा है फैकल्टी मेंबर्स के भी लिए कि अपना जो ये है हम वो ट्रैक कर पाए प्रोग्रेस कि हम जो कर रहे हैं, क्योंकि लर्निंग इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो अब हम करने वाले दूसरे प्रोजेक्ट, मतलब हमारे दूसरे चाहिए सीनियर्स का, और जो हमारे नाटक में हीरोइन रह चुकी है पद्मावती, और हम जिसमें विलन थे खिलजी बताओ। अच्छा, मतलब सेंसिटिव है, मतलब ये कुछ अपने प्राइवेसी या फिर कुछ गवर्नमेंट की, मतलब जैसा पैन कार्ड हो गया। हाँ हाँ, सेंसिटिव। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट सेंसिटिव है या नहीं, या फिर जो कि दूसरों के हाथ लगे तो गलत इस्तेमाल होगा कि वैसे है क्या नहीं, बेसिकली वो प्रेडिक्ट करता ऐसे ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले तो 1.7 के हो गए, 8 के चाहिए मेरे को। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट प्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग के पहले ही देख लिया था। यहाँ से शुरू करना है कि यहाँ से शुरू करना है? यहाँ से शुरू कर लेंगे। तो बेसिकली भैया आपका प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है, सब बताओ। तो बेसिकली हमारा एक्सरसाइज बेस्ड प्रोजेक्ट था, पुलिस डिजाइन, पुलिस डिपार्टमेंट, और उसमें हमने किया है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। क्या होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ सीसीटीवी आएंगे, वो फेस डिटेक्ट करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स के लिए वो यूज करेंगे। फर्स्ट वन है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में हम कोई भी हमारे पास डेटा सेट रहेगा, वो डेटा सेट के अंदर वो ट्रेन करेगा, उसके साथ वो मैच करेगा। अगर कोई हमने इनपुट इमेज दिया है, अगर हमने कोई इनपुट इमेज दिया है तो वो उसके साथ मैच करेगा और वो डिटेक्ट करेगा कि ये क्रिमिनल है या नहीं है। मॉडल का मिसिंग पर्सन, कोई पर्सन घूम गया है या फिर कहीं मिल रहा है, तो वो उसका कोई मतलब रिकॉर्ड किसे आइडेंटिफाई करेगा, वो अपने डेटा सेट में वो मैच करेगा, वो शो करेगा। थर्ड वन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बगलिंग वगैरह होती है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उनका कोई रिकॉर्ड्स है, लेडीज का भी है, वो आउटपुट शो करेगा। फोर्थ वन है एडवांस एज प्रोग्रेशन, उसमें कैसे होगा, मतलब अगर कोई अभी के टाइम में कोई गुम है और वो 10-15 साल बाद मिल रहा है, तो वो कैसे दिख सकता है या फिर एज में कोई चेंजेस आ गया, तो वो आइडेंटिफाई करेगा ये मॉडल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंटेशन हमें देखना पड़ेगा इधर। तो बेसिकली ये काफ़ी हद तक एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट लगा, और अभी तक जितने भी प्रेजेंटेशन हमने देखे सबसे बेस्ट यही लगा। सो इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट को लास्ट में रखा है, सो वीडियो का एंड तक बने रहना। सो बेसिकली वहाँ से अब हम आ गए यहाँ पे, और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से स्टोर होता है या फिर क्या होता। सो बेसिकली आपको बताना है भैया क्या होगा यहाँ पे। ये हमारा मॉडल है, इसमें डिफरेंट बैकएंड है, ये इधर अपन ने ईमेल डाली, ये इमेज है क्रिमिनल के, इसके अपलोड डाला, इसको फाइन कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये क्रिमिनल है, मतलब ये ऑलरेडी रिकॉर्ड में स्टोर होने वाला है कि ये क्रिमिनल है। बाद में अपन अलग इमेज डालते हैं बैटमैन की, ये उसका कोई डेटा नहीं है, उसने कोई क्राइम भी नहीं किया, इसका डेटा हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है, तो इसमें डाल देना वो डेटा को, इसमें ये आता है और उसका कोई डेटा नहीं। बाद में आता है मिसिंग पीपल का अंडर प्रोग्रेशन है, ये इसमें ये होने वाला है कि एज प्रोग्रेशन मॉडल यूज होने वाला है, जैसे कि अगर आप 10 साल आप अगर घूम गए, आप 20 साल बाद मिल गए किसी पुलिस को, तो वो आपका एज रिड्यूस करके, नहीं तो जो आपका पहला फोटो था 10 साल पहले अभी का, उसको एज प्रोग्रेशन मॉडल यूज करके वो डिटेक्ट करेगा कि ये कैसे दिखता है, और आपको फाइन करेगा। एग्जाम्पल, ये ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, छोटे बच्चों को किडनेपिंग वो होते हैं ना, इसके लिए एग्जाम्पल निकलने की डेट होने के बाद वो जब मतलब मिसिंग पर्सन दिखता है, वो किस तरह
का है, मतलब उसका अगर प्रीवियस तो रिकॉर्ड होगा, उसकी क्राइम क्या होगा, फिर अनदर किसी ने उसका मिसिंग डाटा होगा 10 या 15 साल के बाद। अगर तुम सीसीटीवी से अगर इधर क्राइम यहाँ पे क्राइम अपने बिल्डिंग के किसी क्राइम हुआ है अभी जो फेसबुक चेक करेगा सबका और बैकग्राउंड में सब हमारी इमेज इसकी इमेज स्टोर करेगा और वो हमारे कंप्यूटर डेटाबेस में उसको पुट करेगा, इम्पुट करेगा और उसके तुम्हारी इमेज आएगी कि तुम्हारे ऊपर पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसके सब क्रिमिनल रिकॉर्ड फाउंड हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।